Hello everyone, so we are back with another video from our history lesson, Rise of Nationalism in Europe. So basically बेटा today we are going to talk about visualizing the nation. अगर अभी तक मैं बात करूँ तो हम लोग 90% of the chapter जो है वो complete कर चुके हैं. ये और इसके बाद में एक और next video होगी, उसके बाद में हम पूरे complete chapter को complete कर लेंगे. तो आज का topic काफ़ी छोटा है, visualizing the nation. So before starting that, we have a teaser for today that which country was the part of Ottoman Empire since 15th century. याद करो, हमने बहुत सारी countries के बारे में पढ़ा है ना. स्टार्टिंग देखें तो फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने मेजरली अभी तक यूरोप का यूनिफिकेशन पढ़ लिया. तो उसमें भी जो मेजर कंट्री, उस कंट्री का नाम बताओ मुझे जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा हुआ है. हमने एक ही कंट्री ऐसे डिस्कस की थी, राइट? तो ऑफकोर्स यू कैन मैंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन. सो बेटा, कमिंग टू द टॉपिक कि भाई आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन. तो विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या होता है ना. अब जैसे सोचो एक बार के लिए, इमेजिन करो कि लाइक विजुअल करना क्या होता है. मैं आपको वह समझा रही हूँ कि मानो कि हम किसी एक्टर का नेम लेते हैं, लाइक अब अगर मैं बोल दूँ अमिताभ बच्चन, तो उनकी जो इमेज है वो आपके सामने, आपके आले बोलते हैं ना, आंखों में हमें दिखने लग जाती है. अगर मैं आपको बोलूँ आप अपने किसी फ्रेंड का नेम इमेजिन करो, ओके, तो वो अपने पेरेंट्स का नेम इमेजिन करो, तो वो हमारे सामने, हमारी आंखों में हमें दिखने लग जाता है, हमारे ब्रेन में, माइंड में हमें दिखने लग जाती है, राइट? विजुअलाइज करने लग जाते हैं हम उसे. तो सेम सेंस में अब ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई एक कंट्री को भी, कि ऐसा हो कि भाई हम कभी नाम बोल दें इंडिया, तो भाई उसके नाम पर हमें एक चेहरा दिखाई देने लग जाए, ओके. तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई ठीक है हम लोग हमेशा बात करें, कोई भी यहाँ पे मानो किसी हीरो को ले लिया, किसी एक्टर को ले लिया, मतलब चाहे नरेंद्र मोदी को ले लिया, तो उनसे हमेशा इंडिया ही हमें याद है. ऐसा नहीं हो सकता. पीएम चेंज होते जाएंगे, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उससे हम लोग एक इंटीग्रेटेड नेशनल आइडेंटिटी नहीं दे सकते हैं, है ना. तो पहले तो आप टर्म विजुअलाइजिंग द नेशन समझो. विजुअलाइजिंग मतलब चेहरा देना उसको, विजुअल, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया बोलूँ, तो आपके दिमाग में मैप ऑफ इंडिया आ जाता है, ठीक है, या भारत माता की पोर्ट्रेट आ जाती है. तो दैट इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन. मतलब अब लोगों का मेन मोटिव क्या था कि जैसे ही हम कंट्री का नाम ले, तो लोगों के दिमाग में एक फोकस आ जाना चाहिए, ठीक है. अभी जैसे इंडिया का नाम लो तो आपको फ्लैग दिखता है, इंडिया बॉर्डर्स दिख रही होगी, इंडियन मैप दिख रहा होगा, भारत माता दिख रही होगी, ओके. सी, अब इसको एक एक पॉइंट को समझो और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना. नेशन फीलिंग्स वर प्रमोटेड थ्रू फेस, ठीक है, एंड दैट इज़ फेस ऑफ द नेशन. और उस फेस को क्या माना जाता था, फेस टू द नेशन. जैसे अब भारत माता हमने बोल दिया, तो हमें भी पता है एक भारत माता भी हमने देखी है, मेजरली वाइट या रेड कलर की साड़ी पहनी होती है, ठीक है, उनके हाथ में भी त्रिशूल वगैरह, फ्लैग होता है उनके हाथ में, त्रिशूल नहीं, सॉरी, फ्लैग होता है, ठीक है. वो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है ना, तो ये चीज़ क्या शो करती है, लाइक अब वो पोर्ट्रेट हो गया था, वो विजुअलाइज करवा रही थी कि भाई ये भारत माता है, ओके. मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी वो हमें शो कर रही थी. जो लाइक पिक्चर, जो पोर्ट्रेट मेरे लिए भारत माता का है, वही आपके लिए, ओके. तो ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी हो रही थी नेशन की. सेम चीज़ में अब ये लोग भी क्या डिमांड करने लगे थे, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए लोग, मतलब एक हमारे नेशन को एक चेहरा दे दो, ओके. पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी होगी पर्सोनिफिकेशन टर्म. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सी रिवर्स, मतलब ऐसी पोएम्स वगैरह पढ़ी है जहाँ रिवर्स वगैरह को या फिर गार्डन वगैरह जो उन्हें पर्सन की तरह बोला जाता है. स्पेशली मुझे जितना मुझे थोड़ा सा पोएम याद है इंग्लिश में, हमने पढ़ी थी शायद 9th और 10th स्टैंडर्ड में, कि जो रिवर है वो इस तरीके से उछलती कूदती जाती जैसे वो आवाज़ करती जा रही है. अब तो रिवर थोड़ी उछलती कूदती जाती है, नहीं जाती है ना, ठीक है. पर दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, मतलब हम उसे एक पर्सन की तरह कंपैरेटिवली पढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशन को एक फेस दे रहे हैं, उसे पर्सन की तरह समझ रहे हैं. तो रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वॉज अ पर्सन, क्लियर है. पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन मतलब रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वॉज अ पर्सन. सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लोगों के दिमाग में क्या है कि अब फीमेल फिगर्स देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वो एल्गोरी. अब एल्गोरी का मतलब ही क्या होता है कि आप नेशन को जो है उसको फीमेल फिगर दे दो. ये डेफिनेशन है कि आपका वहाँ NCERTs में भी आपको एल्गोरी की डेफिनेशंस मिल जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के अंदर रिपीटेडली पूछा जाता क्वेश्चन है कि एल्गोरीज क्या होती है. तो इट इज़ फीमेल फिगर टू लाइक सिम्बलाइज द नेशन, ओके. सो कमिंग टू फ्रांस, अब इसके एग्जाम्पल्स देखो. अगर मैं इंडिया में ही बात करूँ, सबसे पहले बेसिकली हम लोग इंडिया से ही स्टार्ट करें, तो इंडिया में भारत माता, ठीक है. उसी तरीके से फ्रांस में हमारे पास क्रिश्चियन
मेरे ठीक है, वो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को सिंबलाइज कर रही है, ये नेशनल, ये एक नेशनल सिंबल है जो वहाँ पे कॉइन्स और स्टैम्प्स पे एम्बार्क किया जाता है। लोग इसको आइडिया ऑफ नेशन, मतलब इसको लोग देते हैं कि भाई पीपल्स नेशन, मतलब ये लोगों की इंटीग्रिटी, उनके नेशन की यूनिटी वगैरह सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, बेसिक आइडिया। लोगों की थीम क्या थी जब उन्होंने फ्रांस बनाया था, इंडिपेंडेंट फ्रांस बनाया था, तो रिपब्लिक भी हो, लिबर्टी भी हो, जहाँ इक्वालिटी से लोगों को ट्रीट किया जाए, है ना, जस्टिस, फेयर मैनर के अंदर सारी चीज़ें हों। तो वो ऐसे तरीके की, मतलब वो पोर्ट्रेट्स जो फीमेल फिगर्स वगैरह वो लोग जनरली बनाते थे, वो यही सिंबलाइज करते थे लोगों की डिमांड्स को, लोगों की नीड्स को, उनके राइट्स को, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो लोग जस्टिफाई करते थे उन फिगर्स के थ्रू। जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मेनिया, इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जर्मनी इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, जर्मेनिया, ठीक है, शी रिप्रेजेंटेड, मतलब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यहाँ पे जर्मेनिया जो है वो ओक लीव्स पहन के, क्राउन जो है वो ओक लीव्स का बना होता है, और ओक लीव्स का मतलब क्या होता है, हीरोइज्म, दैट मीन्स ब्रेवरी, ओके, जर्मेनिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव यहाँ पे शो किया गया है। सो ये अगर हम लोग देखें बेटा, तो ये आपका एनसीईआरटी आई थिंक से फिगर नंबर 16 होगा, ये फ्रांस का है, मैंने अभी आपको बताया था रिपब्लिक फ्रांस को शो करने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मैरिन के फोटो लगाई थी, स्टैम्प्स पे यूज़ करते थे, कॉइन्स पे यूज़ करते थे, तो दिस इज़ द स्टैम्प ऑफ दैट। फिर उसके बाद में ये आ गए हमारे पास, ये भी एक एल्गोरी है जहाँ फीमेल फिगर को यूज़ किया गया। देखो अब इसके पास में फ्लैग भी है, ठीक है, जो वहाँ नेशन आइडेंटिटी दे रहा था, स्वॉर्ड भी है, तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है, ब्रेवरी, मतलब एक नेशन के स्ट्रॉन्ग, उसकी यूनिटी, मतलब लोगों को लग रहा है कि ओके वी आर। अब जैसे नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करना कि अभी का रिसेंटली हम इंसिडेंट देखते हैं कि चाइना और हमारे चाइना और इंडियन बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा भी लद्दाख वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन चल रही है ना, तो वो टेंशन अगर वहाँ पे अगर आपको ऐसे मतलब पोर्ट्रेट्स वगैरह फिगर्स वगैरह लगा दो जहाँ इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो लोगों में क्या होता है, हाउस ऑफ जोश कैसा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, राइट। सो इन फिगर्स का यूज़ किया गया था लोगों में नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी, ठीक है, ये इटर्निटी, नेशनल यूनिटी सिंबलाइज करने के लिए इनको जनरली यूज़ किया गया था इन फिगर्स को। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे फिगर्स आएंगे। ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज कर रही है, बींग फ्रीड, फ्रीड मतलब समझते हो, फ्री हो जाना। ब्रीज प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगल जो थी वहाँ पे एज ए स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती थी। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर समझा रही हूँ। स्वॉर्ड मतलब रेडी टू फाइट, दैट मीन्स कि हम हमारी, लाइक अभी अगर हम लोग इंडिया में अगर स्वॉर्ड दिखाते हैं भी हम चाइना को, तो वो क्या होगा कि भाई हम लोग रेडी हैं, हम लोग हमारी लैंड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमारे कल्चर ट्रेडिशन से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वी आर रेडी टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, अब इसमें से अब वही स्वॉर्ड है, उसके अलावा अराउंड में आप ऑलिव ब्रांचेस लगा दो, ठीक है, वो स्वॉर्ड लड़ नहीं पाएगी, तो दैट मीन्स विलिंग टू मेक पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, अभी हम लोगों ने जस्ट लास्ट वाले पोर्ट्रेट में जो हम लोगों ने देखा था, ये कहा था जर्मनी का ही था, आप देखो इसको। फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, यही जर्मन में जो मिडिल एजुकेटेड क्लास पीपल आए थे, उन्होंने 1848 के अंदर जब अपने पार्लियामेंट्री रिवॉल्ट कर रहे थे ना, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में फ्लैग भी बताया था, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई हम जो ये इंटीग्रेटेड जर्मनी की जो इंटीग्रेटेड जर्मनी की जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो थोड़ा और लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपील करती है उसके साथ में, तो वो किसको, अब हमें भी पता है कि भाई वहाँ का जो राजा था उस टाइम पे उसने मना कर दिया था, डिसएग्री कर दिया था उसके लिए, ओके। रेज ऑफ राइजिंग सन, दैट इज बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नई जनरेशन नहीं बोल सकते हम लोग इसको, नई पीढ़ी भी बोल सकते हैं, या फिर नई, अब जैसे मानते हैं कि 1947 तक इंडिया जो था वो अंडर ब्रिटिशर्स था, उसके बाद में हम लोग उसमें राइजिंग सन दिखा रहे, तो भाई बता सकते हैं कि हम लोगों ने डेमोक्रेट बना लिया है खुद को, ठीक है, हम किस तरह से राइजिंग एक्टिविटीज़, न्यू डेवलपमेंट वगैरह की बात करने लगे, तो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात करी थी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और NTSC के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन एट्रीब्यूट्स और सिग्निफिकेंस को याद कर लेना अभी से। फिर उसके बाद में हमारे पास था फिगर 18, द फॉलन जर्मेनिया, ठीक है, मतलब जर्मनी पे कैसे, अगर इसको अगर आप समझ सकते हो 1850 में हुआ था वैसे तो ये बेसिकली, पर जर्मेनिया अगर मतलब उस टाइम पे क्या था कि जर्मनी जो थी वो
टूटा हुआ था, हम लोगों ने देखा था ना 1848 में कैसे रिवॉल्ट वगैरह थे, 47 में। तो देखो यहाँ पे जो इसका क्राउन वगैरह वो सब गिरा हुआ है, तो मे बी इट इज़ रिप्रेजेंटेटिंग कि वहाँ की जो मोनार्कियल पावर्स थी उसके अंदर उसके अगेंस्ट लोग जो थे वो रिवॉल्ट वगैरह कर रहे थे। पर वहाँ के उस टाइम का ड्यूरेशन भी हम देखें तो पुअर पीपल कैसे हंगर को और अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे। तो शी इज़ वीपिंग, शी इज़ इन सॉरो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शो की गई है। नेक्स्ट स्वॉर्ड, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई स्वॉर्ड का मतलब क्या होता था, रेडी टू फाइट, तो ये वापस से यूज़ किया गया आपके पास एलगोरी। तो ये ऐसी चीज़ें थी जहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स को अपील किया जाता था। ओके तो बेसिकली बेटा अभी तक आपने इस चैप्टर में तो केवल विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन पढ़ा है, जो बहुत मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन ही बता दिया था, स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ही मैंने बता दिया था कि काफ़ी छोटा टॉपिक है आज का, काफ़ी ज़रूरी है पर ये। ओके अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पूरी टाइमलाइन और एक और हमारे पास कंट्री बची हुई है बल्कंस, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइमलाइन के थ्रू हम लोग पूरे लेसन को बहुत अच्छे से वापस से समझ लेंगे। तो आज वाले लेसन में कुछ भी ज़्यादा तुम्हें समझना नहीं है, वापस से स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पूरा ढंग से समझना, मतलब टॉपिक्स उठाते जाना फिर ही पढ़ते जाना। कैसे हम लोगों ने देखा फ्रांस के बाद में बेल्जियम आया, फिर ग्रीस आया, रिवॉल्ट हुए, बंद हुए, कंजर्वेटिव रिजाइंस के थ्रू कंट्रीज यूनिफाइड हुई है, ठीक है। तो ये अब नेशनल, अब लोगों में नेशनल यूनिटी लाने की, उनमें इंटीग्रिटी लाने के लिए जो चीज़ें एक्टिविटीज़ की गई है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट यूजिंग ऑफ अ फीमेल फिगर्स एलगोरीज के। ओके Still you are having any kind of doubts, you can write it in the comment section. And don't forget to do your homework. Thank you.